ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है बस रहना तेरे नाल बेजुरी है रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। आप मूवी के डायरेक्टर भी थे और करण के फादर भी, दोनों चीजों में बैलेंस कैसे किया आपने? बैलेंस तो उसी वक्त छोड़ दिया था एज अ फादर जब मैंने तय कर लिया था कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देन आई केम इन जस्ट एज अ डायरेक्टर। तो उस वक्त मैं ये नहीं सोच रहा था कि आई एम अ फादर, बिकॉज देन यू कैन बी फेयर टू द सब्जेक्ट। शूटिंग के दौरान सिर्फ एक दफ़ा शुरू में जब मैं इसे रिहर्सल करवा रहा था, जब इसे मैंने ऊपर पहाड़ों पर चढ़ा दिया था और वहाँ से इसे नीचे आना था, उस वक्त पहली बार मुझे एक फादर मेरे में आ गया था जो बहुत घबरा गया था उस वक्त, बट जिस तरह से इसने किया तो उसके बाद फिर मुझे यकीन हो गया कि ये कर पाएगा। एंड ही वाज ऑलवेज लाइक अ डायरेक्टर, तो मुझे छोड़ते नहीं थे, बोलते थे कि यू नो आई अंडरस्टैंडिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम ऑल्सो एन एक्टर, बट यू नो यू नीड टू डू दिस बेटर, यू नीड टू डू दैट बेटर, एंड नाउ व्हेन आई लुक एट द फाइनल प्रिंट ही वाज राइट इन हिज वे एंड आई वाज हैप्पी दैट ही वाज गाइडिंग मी। सो आपके फादर ने भी जब डेब्यू किया तो वो एक रोमांटिक मूवी थी, आपने भी बेताब से डेब्यू किया रोमांटिक मूवी, और अब करण एंड सहर दोनों ही रोमांटिक मूवी से डेब्यू कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मैं कुछ है ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन यू नो जब भी कुछ इफ यू हैव टू यंग कपल हुम यू गोना बी लॉन्चिंग इन द फिल्म, एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर देम दैट मोमेंट, बिकॉज फॉर देम आल्सो, बिकॉज वो उसी वो एज है उनकी और वो उस दुनिया में है और उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो एक रोमांटिक चीज़ हो तो इट बिकम्स ईजियर इवन फॉर देम, बिकॉज वी आर नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। एंड और ये प्यार जो होता है जो बहुत फ्रेश होता है ये उसी उम्र में होता है, बाद में यू कैन कम बैक एंड प्ले दैट सेम कैरेक्टर, सो क्यों ना शुरुआत उसी से की जाए। क्या बात है, मतलब रिलेशनशिप गोल्स भी वो सेट कर रहे हैं पंजाबी इसकी बैटरी चार्ज रहती है, यहाँ प्यार मोहब्बत की भी बातें मतलब समझाना चाहते हैं। अच्छा, आप डायरेक्टर इस मूवी के, कौन सा ऐसा सीन था जहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्स करण और सहर ने लिए? ऐसा मुझे कुछ याद नहीं, बिकॉज मैं पीछे ही लगा रहता था, बिकॉज मेरी कोई मेरे रेयरली देयर हैज बीन एनी टेक जो एक दो टेक में ओके हुआ हो, नॉट ओनली विद देम इवन विद द अदर एक्टर्स, आई हैव गॉट लॉट ऑफ सीजन एक्टर्स इन द फिल्म, बिकॉज इट इज़ नॉट हाउ मेनी टेक्स यू डू, मैं खुद मैन हैव डन फिल्म्स, आई हैव डन 40-50 टेक्स, बट आई नेवर टेक एज अ ओ गॉड मैं इतने टेक्स दे रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई नेवर लेट देम ऑल्सो फील कि देयर आर टेक्स डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट फ्रॉम यू ऑल एंड मे बी यू ऑल विल रीच देयर, मे बी इतने करने बाद मुझे लगेगा शायद थर्ड और फोर्थ टेक वाज बेटर, बट आई एम वेंचरिंग आउट ट्राइंग टू पुश द बाउंड्रीज एंड सी व्हाट कैन आई गेट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई हैव ऑलरेडी गॉट इट, बिकॉज़ देन व्हेन यू सिट ऑन द एडिटिंग टेबल इज वेयर यू रियलाइज कि नो दिस यहां पर सही था, यहां मैंने ओवरडू करवा लिया, सो दैट्स द काइंड ऑफ अ डायरेक्टर आई एम। दोनों की पहली मूवी है, एक ऐसी चीज जो तुम दोनों को कनेक्ट करती थी लाइक सेट्स पे कि या तो तुम लोग नर्वस होते थे तो वहाँ पे कि या आई थिंक हम दोनों इतने ज़्यादा नर्वस होते थे, और नर्वस इन द सेंस लाइक प्रेशर खुद पे ही डाला होता था, कोई ऐसे बोलता नहीं था, खुद के ही दिमाग में होता था कि शॉट ठीक हो जाना चाहिए, तो वी वर लाइक अ टीम कि आज वो सीन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सो दैट वेज आई थिंक दैट वॉज वन थिंग दैट कनेक्टेड अस। आपके पापा की मूवी के कुछ डायलॉग्स हैं हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तारीख पर तारीख, 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 लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिला है तो सिर्फ तारीख। ये 2.5 किलो का हाथ बहुत हो चुका है सब। अरे नहीं, एक बार आपको देखना चाहता हूँ, आप बोलिए। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मैं हमेशा जो भी डिसीजन लेता हूँ मैं अपने ही लेता हूँ,
मैंने कभी किसी और की सोच के डिसीजन नहीं, आई हैव ऑलवेज टेकन माय ओन डिसीजंस एंड आई थिंक दैट्स अ वे ह्यूमन बीइंग शुड बी बिकॉज you're going to lead your life, so you take your own decisions. You yourself know your own potential, so it's best for you to decide what is good for you, what is bad for you. And in your heart, you know your strengths and weaknesses, and just go for it. Don't ever listen to anyone else, because people are out there ready to put you down. And there'll always be people out there ready to put you down. But it's up to you to face them and overcome that obstacles and be the great person that you are destined to be.